आपका न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आपके साथ में हूं शुभम सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे, सबसे पहले बात करते हैं चुनाव से पहले छत्तीसगढ़ बीजेपी को एक बड़ा झटका लग गया है। कांग्रेस में शामिल हो गए हैं नंद कुमार साय, सीएम भूपेश बघेल, पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने नंद कुमार साय को पार्टी की सदस्यता दिलाई। राजीव भवन में नंद कुमार साय ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। नंद कुमार साय ने कल बीजेपी से इस्तीफा दिया था, इस्तीफे में आहत होने का जिक्र किया था। और इस वक्त हमारे साथ में छत्तीसगढ़ सरकार के स्वास्थ्य मंत्री वरिष्ठ कांग्रेस नेता टीएस सिंहदेव खुद जुड़ चुके हैं। सर स्वागत है आपका। सर नंद कुमार साय अब कांग्रेस का हिस्सा बन गए हैं, कांग्रेस के नेता बन गए हैं, कैसे देखते हैं उनके इस बड़े फैसले को? जी उनका स्वागत है। बहुत ही अनुभवी, बहुत ही ज्ञानी और व्यवहारिक जनप्रतिनिधियों में रहे हैं जी। सरगुजा अंचल के हैं, जशपुर जिले के हैं जी, और कई दशकों से राजनीति में बहुत सक्रिय रहे हैं। और जिस तरह से उनकी उपेक्षा हुई, उनने अपने पद में जो दर्शाया, तो स्वाभाविक है कि उम्र के इस पड़ाव में उनको ये लगा होगा कि जहां मान सम्मान नहीं, वहां फिर जनता के लिए काम करने का अवसर भी नहीं रहता और न औचित्य रहता है, और उनका कांग्रेस प्रवेश हुआ, उनका स्वागत। काफी वरिष्ठ सर नेता है बीजेपी के रहे हैं, अब चूंकि कांग्रेस के में शामिल हो चुके हैं, तो क्या उनके अनुभव का फायदा कांग्रेस पार्टी को मिलेगा चूंकि साल चुनावी है? स्वाभाविक है मिलेगा। उनके समुदाय विशेष का भी वो प्रतिनिधित्व मजबूती से करते हैं, उनका काफी सम्मान है, तो स्वाभाविक है कि कांग्रेस को फायदा होगा जी। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया सर जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह क्या कुछ कह रहे हैं सुनिए। नंद कुमार साय ने कांग्रेस में, कांग्रेस का हिस्सा वो बन गए हैं, कांग्रेस ज्वाइन कर ली है, और इससे पहले उन्होंने बीजेपी पर तमाम बड़े आरोप लगाए हैं, छवि धूमिल करने का आरोप कुछ नेताओं पर लगाया, लेकिन आज कांग्रेस का हिस्सा बन गए हैं नंद कुमार साय। जशपुर के गांव भगोरा में उनका जन्म हुआ था, काफी वरिष्ठ नेता है, बीजेपी के लिए लंबे वक्त तक काम किया, लेकिन आज वो कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं, कांग्रेस का हिस्सा बन गए नंद कुमार साय। सीएम भूपेश बघेल, मोहन मरकाम की मौजूदगी में, तमाम कैबिनेट मंत्रियों की मौजूदगी में उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की है। और जैसा कि अभी आप सुन रहे थे, छत्तीसगढ़ सरकार के कैबिनेट मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा कि उनके अनुभव का फायदा कांग्रेस पार्टी को मिलेगा, ये बात स्वाभाविक है, लेकिन अब नंद कुमार साय किस तरह से कांग्रेस पार्टी के साथ काम करेंगे, क्योंकि लंबा करियर, लंबा अनुभव उनका बीजेपी के साथ है, लेकिन अब जब कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं तो कांग्रेस को कितना फायदा मिलेगा नंद कुमार साय के कांग्रेस ज्वाइन करने का, ये फिलहाल देखना दिलचस्प होगा। लेकिन नंद कुमार साय जो कि छत्तीसगढ़ बीजेपी का एक बड़ा चेहरा रहे हैं, वो अब कांग्रेस में शामिल हो गए हैं, आदिवासी चेहरा है, वो कांग्रेस में अब शामिल हो चुके हैं, और ऐसे में सीएम भूपेश बघेल ने, मोहन मरकाम ने नंद कुमार साय को पार्टी की सदस्यता दिलवाई है। इस बात का जिक्र भी किया उन्होंने कि अब गरीबों के लिए, आदिवासियों के लिए मिलकर छत्तीसगढ़ सरकार के साथ मिलकर काम करेंगे, कांग्रेस के साथ मिलकर काम करेंगे, ना सिर्फ काम करेंगे बल्कि इसके पहले अपने संबोधन में नंद कुमार साय ने छत्तीसगढ़ सरकार की तारीफ भी की है। इन बातों का जिक्र किया सीएम भूपेश बघेल की अगुवाई में छत्तीसगढ़ में लगातार विकास हो रहा है, इन बड़ी बातों का जिक्र भी किया है नंद कुमार साय ने। नंद कुमार साय दो बार राज्यसभा के सांसद रहे हैं, तीन बार विधायक रहे नंद कुमार साय, उनका जन्म जशपुर के भगोरा में हुआ, छत्तीसगढ़ बीजेपी के एक बड़े आदिवासी चेहरे के रूप में लोग उन्हें जानते थे, लेकिन अब कांग्रेस का हिस्सा बन गए, कांग्रेस में शामिल हो गए हैं।